नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और बीए ऑनर्स पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में 16 हिंदू संस्कारों का अध्ययन करेंगे। संस्कार क्या है? संस्कार से ही जीवन मानवता उन्नति कर सकता है। संस्कार संस्कृति शब्द से उद्धृत है। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति से ही मानवता की अनुभूति, क्षमता, आदत और बौद्धिक विकास होता है। संस्कृति का निर्माण करने के बाद ही सामाजिक रूप से संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। मनुष्य का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन संस्कारों की निष्फलता से ही प्रभावित होता है, जो मानव जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन संस्कारों से आवृत होता है। संस्कारों का उल्लेख वेदों में, ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार जो आयोजित किए जाते हैं, उन 16 संस्कारों के का अध्ययन करेंगे। संस्कार आध्यात्मिक पोषण, मन की शांति, अंततः मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। संस्कृत शब्द शुद्ध किया हुआ और संस्कार शुद्ध करने वाला कर्म, जिसमें परिमार्जन अथवा परिष्कार के अतिरिक्त शिष्टता एवं आदर का भाव अंतर्निहित होता है। हमारे साहित्यिक ग्रंथों में गौतम ऋषि ने संस्कारों की संख्या 40 बताई, जबकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार मनुष्य के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। गर्भाधान, यह संस्कार माता के गर्भ में बालक के प्रवेश करने पर किया जाता है। इस संस्कार के संबंध में महर्षि चरक ने कहा, मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भाधारण के लिए आवश्यक है। इस संस्कार का आयोजित करना इसलिए आवश्यक है कि वह बालक प्राकृतिक दोषों के आक्रमण से सुरक्षित रह सके। विधि पूर्वक संस्कार करने से गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। पुंसवन, यह संस्कार माता की गर्भ में के गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने के दौरान किया जाता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। हम जानते हैं अभिमन्यु, जिसने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, इसी संस्कार के अंतर्गत। सीमंतोनयन, यह संस्कार गर्भावस्था के चौथे, छठवें और आठवें महीने के दौरान किया जाता है, जिसमें बच्चे के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ईश्वर से वैदिक मंत्रों और उच्चारण के द्वारा प्रार्थना की जाती है। इससे बालक अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। जातकर्म, बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन पर किया जाने वाला जातकर्म घर की शुद्धि के लिए होता है। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई दोष पूरे दूर हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। नामकरण, यह संस्कार 10वें, 11वें या 12वें दिन मंत्रों के पाठ के साथ किया जाता है। इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण का संस्कार सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। बालक का ऐसा नाम रखा जाता है जो घर और बाहर उसी नाम से पुकारा जाए। निष्क्रमण, यह संस्कार 40 दिनों के बाद किया जाता है। बच्चे की आयु और शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ाने वाला है। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत तत्वों से बना हुआ है, इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि बालक दीर्घायु और स्वस्थ बना रहे। अन्नप्राशन, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के दांत निकलने
आती है जो 6-7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए विभिन्न देवताओं को अर्पित किया जाता है। भारत में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात, मीठा दलिया, चावल का हलवा, दही, शहद और घी के साथ प्रसाद मंत्रों का पाठ करते हुए बच्चों को पहली बार ठोस भोजन अन्न दिया जाता है। चूड़ाकर्ण। बालक के सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तो वह चूड़ाकर्ण या मुंडन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस समय शिशु का आयु 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष की भी हो सकती है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है, बुद्धि तेज होती है और शिशु के बाल में चिपके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शिशु स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर जो माता पिता के दिए हुए बाल होते हैं इन्हें काटने से वह शुद्ध हो जाता है। विद्या आरंभ। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाती है तो उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। इस समारोह के माध्यम से बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है। अभिभावकों शिक्षकों को उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है। बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान, श्रेष्ठ जीवन के सूत्र का विबोध और अभ्यास कराते हैं। कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद यह संस्कार 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है, जिसका अर्थ है कानों को छेदना। सूर्य पूजा की शुरुआत के साथ पिता को पहले बच्चे के दाहिने कान को मंत्र ओह भगवान पर हम अपने कानों से आनंद सुन सकते हैं संबोधित करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी बात सुने और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। कर्णवेद संस्कार में कानों को छेदने के बाद उन्हें स्वर्ण या रजत के आभूषण पहनाए जाते हैं। ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। एक्यूपंक्चर के अनुसार मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है, वह निरोगी रहता है। इससे यौन इंद्रियां भी पुष्ट होती है। यज्ञोपवीत। यह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना अनिवार्य है। उप अर्थात पास या नजदीक, नयन अर्थात ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा प्रचलित है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक है। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। यह पवित्र धागा ग्रहण करने के बाद बच्चा संस्कार के लिए दूसरा जन्म माना जाता है, जिसे हम आध्यात्मिक जन्म के नाम से जानते हैं। वेदों का अध्ययन गुरु से प्रारंभ होता है। यह शिक्षा गुरुकुल के त्यागमय ब्रह्मचारी के रूप में भीख मांगना, अध्यापन ने शिक्षक के त्याग करना, वैरागी जीवन व्यतीत करना सीख जाता है। वेदारंभ। इसके अंतर्गत गुरु द्वारा वेदों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। केशांत। केशांत का अर्थ है बालों का अंत कर उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या जिसे मुंडन कहा जाता है और शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत किया जाता है। समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए संस्कार किया जाता है। इसका आशय ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। विवाह। ब्रह्मचर्य जीवन से बाहर निकलकर गृहस्थ जीवन की ओर या गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करता है, जो विवाह संस्कार कहलाता है। उचित उम्र में विवाह करना आवश्यक माना जाता है और विवाह के द्वारा ही पीढ़ी आगे बढ़ सकती है और विवाह के द्वारा ही वह पितृऋण से मुक्त होता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसके पश्चात ही वह वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का हकदार बन जाता है, अपने रिश्तों की भावना को जागृत करता है। अंत्येष्टि संस्कार।
इससे अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड को, जब मृत्यु आसन होती है तो मौत के बिस्तर पर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा, तुलसी पत्ता और गंगा जल की बूंदे व्यक्ति के मुंह में डाल दी जाती है। शव के सिर को उत्तर की ओर और जमीन पर रखा जाता है। उसका बड़ा पुत्र अंतिम संस्कार करता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, शव को स्नान कराया जाता है और सुगंधित वातावरण में उसे फूलों से सजाकर शमशान की ओर ले जाया जाता है। इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। ये 16 संस्कार हिंदू रीति रिवाज परंपरा में महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके अतिरिक्त विश्व में प्रचलित अन्य धर्म इस्लाम, ईसाई और पारसी में भी संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें 16 संस्कारों के अपेक्षा 3 संस्कारों को महत्व प्रदान की गई है, जन्म, विवाह और मृत्यु, जबकि हमारे शुद्ध कर्म और शुद्ध आचरण और व्यक्ति की उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, लोक परलोक के लिए 16 संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।